चलता फिरता किराना स्टोर कैसे शुरू करें। किराना स्टोर मतलब एक ऐसी दुकान जहां आपकी रोजमर्रा की सारी चीजें उपलब्ध हो। जरा सोचिए, अगर यही किराना स्टोर का सारा सामान आपके घर के बाहर ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। आज हम आपको ऐसे ही एक ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे जो ट्रेडिशनल किराना स्टोर से थोड़ा अलग है। हम बात कर रहे हैं एक चलते फिरते ग्रोसरी स्टोर की। अगर आप कम निवेश में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एक गाड़ी में किराना स्टोर का सामान जैसे चाय, चीनी, चावल, दाल, शक्कर, मिर्च, नमक और भी बहुत सारे आइटम्स बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? एक किराना स्टोर खोलने में आपको जितना निवेश करना पड़ता है उससे कम में आप एक मोबाइल स्टोर खोल सकते हैं। एक जगह किराना स्टोर खोलने पर आपको जगह का रेंट, रैक्स, सेटअप, दुकान का मेंटेनेंस, इन सब पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जबकि एक मोबाइल किराना स्टोर बड़ी ही आसानी से वन टाइम इन्वेस्टमेंट में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है। चलती फिरती किराना शॉप के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामान आप लोड कर सकें। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। ये बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। सबसे पहले आपको मार्केट में सभी जगह जाकर पता करना होगा कि लोग कौन कौन से सामान ज्यादा खरीदते हैं और ऐसा सामान जो हर घर में जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे सामान के बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा बिकने वाले सामान के रेट के बारे में मार्केट में पता करें। जो सामान जहां सस्ता हो वहां से खरीदें। अगर एक आदमी 30 रुपए का सामान 40 रुपए में बेचता है और दूसरा आदमी वही सामान 28 रुपए में खरीदकर 40 रुपए में बेचता है तो उसका फायदा ज्यादा होगा, इसलिए सामान वहीं से खरीदें जहां सस्ता मिलता है। आप सप्ताह के दिनों को एरिया के हिसाब से बांट दें, इससे लोगों को पता रहेगा कि किस दिन और किस टाइम पर आपकी गाड़ी आएगी। किराना स्टोर में किन बातों का ध्यान रखें? गाड़ी में बच्चों के लिए चॉकलेट भी रखें ताकि बच्चे भी आपके पास आकर चॉकलेट खरीद सकें। आप जो भी सामान बेच रहे हैं उसका प्राइस मार्केट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। गाड़ी में साफ सफाई का ध्यान रखें। जब आप मार्केट के रेट से ही सामान बेचेंगे तो लोग मार्केट जाकर ही सामान खरीदना बेहतर समझेंगे, इससे आपके ग्राहक कम हो जाएंगे। सामान हमेशा नया और फ्रेश ही खरीदें। अगर सामान पुराना होगा तो लोगों को एक बार यूज करते ही पता चल जाएगा, ऐसे में लोगों पर आपका गलत प्रभाव पड़ेगा, फिर वो आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो आज हमने आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताया जिसको शुरू करके बिना किसी कंपटीशन के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।